Ladies and gentlemen, 1, 2, 3. झरने में अब ये तो नहीं है ना कुछ भी बताने का। पहले तो बहुत आवाज आता था, गड़गड़ गड़गड़ करके ना, जैसे गड़गड़ आवाज आते है ना टेम्पर, गांव में कुछ बुरा हो जाता था। अच्छा, जब जब उस झरने से गड़ पत्थर गिरने टाइप आवाज आए या कुछ भी, पत्थर गिरने की तरह आवाज आता था, तो तब कुछ ना कुछ मतलब नुकसान या कुछ बुरा होगा गाँव में। अच्छा नहीं मानते थे। सो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अन द व्लॉग जो हिमालयन जंकीज। मैं आपको दोस्तों हूँ साहिल, अनदर व्लॉग बट सेम क्लोथ्स, बिकॉज मैं कपड़े लेके आया नहीं, लॉल आया हूँ एक दिन के लिए, बट तीसरा दिन है मेरा तो संडे। और जी जुलिया पा, आज दूसरा स्टोरी, ठीक है, और कहानी बताना आज। तो अभी मैं जा रहा था ऊपर तक, एक्चुअल में क्या सीन है तो आपको पता है, ATV लाया था तो उसमें पेट्रोल नहीं लाया था मैंने, उसके लिए पेट्रोल नहीं लाया था, तो अभी लाया था मैं कल जब मैं आया था, तो अभी पेट्रोल डाल देते उसमें थोड़ा सा, फिर थोड़ा कोल्ड स्टार्ट भी दे देते। बाकी सूरज गया था मनाली कल, वो भी आने वाला है अब मनाली से, फिर उसके बाद देखते आज शायद घर निकल ही जाऊँगा मैं, क्योंकि 3-1 दिन हो गया और मेरा शेड्यूल भी पूरा ख़राब हो गया ही गया, पढ़ाई भी रुकी है थोड़ी। अभी लेते हैं कोला छोटा जाते ऊपर, और भाई ठंड क्या पड़ रही है, और आज सुबह तो तगड़े सीन हो गया था, मैं वॉशरूम में बैठा वही जॉब सब सुबह करते हैं, फ्रेश होने गया था तो पानी जम गया था, पानी की पाइपें जम गई थी, वो तो शुक्र था कोई पाइप फटा नहीं, तो मेरी बारी आ गई थी, तो सोच सकते हो आप पानी जमना स्टार्ट हो गया, सर्दियाँ कितनी बढ़ चुकी हैं, कल 2 डिग्री था आज शायद उससे कम होगा, तो चलते हैं और 8 डिग्री में पेट्रोल भरते हैं, फिर करते थोड़ा काम, फिर निकलते हैं शाम तक घर मनाली। तो पहले मेरी 8 डिग्री खेत में लगी थी, तो क्योंकि खेत किसी और का था और वहाँ पे हल चलाना था, तो मैंने किया अपने भाई है तंजन भाई, उनको बोला था तो उन्होंने यहाँ लगा दिया था, और फ़ोन आ रहा है उनको, हेलो। तो भाई ने बढ़िया नोट मार के रखी है, नोट एज इन गांठ, तो इसको खोलते हैं और फटाफट तेल भरते और जाते हैं, क्योंकि अभी और भी बहुत ज़्यादा काम है, सिर्फ तेल ही लाना है मेरे को, अब स्टार्ट भी बाद में ही करूँगा, देखता हूँ। तो हियर्स द टैंक, काफी प्यारा जैसा टैंक है, भरता हूँ तेल, जा कुछ ज्यादा। तो गाइस ध्यान देना, 1, 2, 3 हाथ की बैंड बन चुके गाइस। सो गाइस फाइनली घर आ चुके हैं, तो दिन को क्या सीन हो गया, तो आपा भी गए थे तो जा रहे थे पहले, तो उस टाइम मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, पर बाद में उनका कैंसिल हो गया था, तो अभी घर आ गए, शाम हो गया, अंधेरा हो गया, तो मैंने सोचा कि जो नेक्स्ट स्टोरी मैंने बोला था आपको बताएंगे, एक स्टोरी है तो वो अभी डायरेक्ट चाची बताएगी, तो हम आ गए अभी घर, तो अभी फिलहाल चाची और थोड़ा कपड़े कपड़े प्रेस कर रहे, तब तक मतलब उन्होंने जाना है ना, तो कपड़े प्रेस कर रहे, तो उनको भेजा था, तब तक मैं तंदूर थोड़ा जाग रखता हूँ उनके यहाँ से पहले। यस, तो बताते हैं आपको नेक्स्ट स्टोरी, वेट एंड वॉच। काफ़ी मज़ा आने वाला वो स्टोरी सुनने, क्योंकि काइंड ऑफ हॉरर प्लस स्पिरिचुअल स्टोरी होगी वो, जो बोलते हैं ना कि गाँव की पुरानी कहानियाँ, तो मज़ा आएगा। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं चाची भी, तो पिछले कल वाला जो हमारा बात अधूरा रह गया था एक स्टोरी, तो अब चाची कंटिन्यू करेगी, क्योंकि बाकी तो मैंने आपको बताया था आपा भी कह रहे आज थे नहीं कोई भी, और चाची भी थोड़े बिजी थे दिन को पंच की मीटिंग में, तो अब चाची बताएगी। तो चाची अब आप नेक्स्ट स्टोरी कौन सा बताना चाहोगे गाँव का? कौन सा ये वाला बता दो, ये झरने वाला।
झरने में अब ये तो नहीं है ना कुछ भी बताने का। पहले तो बहुत आवाज आता था, गड़गड़ गड़गड़ करके ना, जैसे गड़गड़ आवाज आते हैं ना टेम्पर, गांव में कुछ बुरा हो जाता था, अच्छा, जब जब उस झरने से गड़ पत्थर गिरने टाइप आवाज आए या कुछ भी, पत्थर गिरने की तरह आवाज आता था, तो तब कुछ ना कुछ मतलब नुकसान या कुछ बुरा नुकसान होता होगा था गांव में, गांव में। अच्छा नहीं मानते थे। फिर उसके बाद आया एक कोई नीचे से, खंडोमा वगैरह, खंडो में क्या होते हो? परी परी पर परी बोला खंडोमा, नीचे से आए जिन कहाँ से? अच्छा तिपत्ती हो ना उनकी टाइप अच्छा के, वो लोग बैठे हैं यहाँ पर काफी दिन, फिर उन्होंने वो किया वहाँ पर उनकी पूजा पाठ, फिर उनके साथ लड़ने आ रहा था बोले राक्षस, जो झरने में हाँ बैठे झरने था। में भूत वो होता ना राक्षस, राक्षसनी, जो भी ताकत थी। हाँ वो आ रहे थे वो लड़ने लड़ने। फिर उन्होंने सोचा बोले क्या है ये, तो वो देवी देवता तो नहीं हो सकते, फिर ऐसा ऐसा भूत ही सोचा उन्होंने। फिर देखा बोले इतना लंबा है ना, बहुत ही लंबा, बाल यहाँ तक था बोले एड़ी तक लंबा अच्छा बाल, हाँ। फिर उन्होंने पूछा, फिर बाद में पता लगे बोले कि यहाँ हमारे खोक्सर में कोई देवी है बोल के, ओम कुली, फिर उसने रक्षा किया बोले उनका, अच्छा उन जो हाँ परियां थी उन लोगों को बाद में पता लगा हाँ पता लगा बोले कि कि ऐसे यहाँ नहीं, यहाँ देवी भी है बोल के, तो तो यहाँ मतलब ओंकुली है ना हमारा, तो हमारे गांव की माता टाइप जो प्रोटेक्ट माता, करके रखती है। हाँ जो हाँ हम मानते हैं ओंकुली, पूछते भर देते हैं हमारे को, मतलब उन लोगों के ऊपर हमला करने को आ रही थी, पर उनको बचाया पोमोगली ने। अच्छा ओंकुली ने, हाँ। फिर ऐसा ऐसा स्टोरी है, उसके बाद क्या, फिर वो लोग यहाँ काफी देर बैठा, फिर चला गया आगे, सिसु साइड बैठे हैं, तेलिंग में बैठे हैं, फिर उनको सारा नजर आता था बोले ना, जो पहले मर गया था आत्मा भी वो भी सारा, उन परियों को। हाँ परियों को, परी बोला खंडो में, हमारे तो खंडो में बोलते ना आप हिंदी में, परी बोलते हो ना, हाँ उसके बाद क्या पता। नहीं, जो फिर वो जब एक बार लामा और ने पूजा किया था, जब वो उनको दिखी थी कि वही पोमो को ले कितनी सुंदर, जैसे एक आई थी शक्ति बचाने। हाँ वो तो अपना लामा कोई, हम लोग वाला यही झरने वाला ही था ना, पर वो भी झरना वाला नहीं था, फिर झरना वाला तो वही था ना जो अच्छा उनको बचाने बचाया। बचाने हाँ आया उनको था, बचाया हाँ उसने। उन्होंने बोला नहीं कि ऐसा ऐसा यहाँ है कुछ हाँ देवी, फिर बाद में हमारे को पूछ रहा था ना ऐसा ऐसा, हम लोग भी किए थे वहाँ, फिर बोले ऐसा ऐसा है बोले इस साइड आया बोले, अच्छा फिर हमने बोले ऐसा ऐसा पोहों बोले होता है हमारे यहाँ, उसको मानते हैं हम लोग। ओके। पोंगली का क्या स्टोरी है ना, पोंगली पहले से ही है ना यहाँ पर बसा हुआ, कब से पोंगली के पास है बोलता है, 2-3 मंजिल का घर है बोलता है, वो उसके पास गहना बहुत है बोलता है, और गाय भेड्डू सब कुछ है बोलता है, जो खोक्सर वालों को भर देता है ना वही देता है बोले पोंगली, अच्छा हाँ पोंगली बचाता है बोले खोक्सर वालों को, तो जो हर साल पूजा करने जाते हैं उनके ऊपर, हाँ और उनका वो गुफा वाला जहाँ पे सचिन भाई और तो गए थे, वहाँ पे क्या होता है वो जो कपड़े पहन के जाते हैं ट्रेडिशनल लॉल के? पूजा करते हैं ना पोंकुली को, बुलाते हैं ना पूजा करते हैं, फिर उसका वो करते हैं आदर करते हैं, उस गुफा में सिर्फ तीन ही जा सकते, तीन की दो कितने, तीन जा एक सकते लेडीज हैं एक। लेडीज जेंट्स, लेडीज जाते हैं तो वो जिसका वो है माँ बाप है फमस में बोलते हैं हम लोग, वो लोग जाते हैं दूध लेके सांसू लेके फेमा लेके, फिर पोंकुली को नीचे तक ले आते हैं, अच्छा वहाँ पहले बुलाने जाते हो एक तरीके हाँ से। अच्छा दूध से ऐसा रास्ता बना के नहीं लाते, हाँ पूरा वो। अच्छा ऐसा ऊपर से लाते ना दूध फेंकते 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 फिर नीचे ऊपर खरगंगा तक, फिर वहाँ पूजा करते वहाँ तक आते हैं बोलते पोंकुली, वहाँ पूजा करते हैं पोंकुली, लोचे नहीं बोलते हम लोग बुलाते हैं अच्छा उनको ऐसा, लेने जाना पड़ता, हाँ फिर लेने साथ जाते में हैं आएंगे उनको वो। आदर करके ले आते हैं ना उसको, अच्छा इतना ही है। तो गाइज जो चाची झरना बता रही थी ना जहाँ से,
आवाज़ आती थी पत्थर गिरने की, और जहाँ पूजा हुई थी वो वाला ये देखा सीधा, तो यहाँ से आवाज़ आती थी झरने की और गड़गड़ की। और इसके पीछे ये वो जगह जहाँ पे माता की पूजा करते हैं हर साल, जो चाची बता रही थी कि लेके आते हैं उनको और लोग जाते हैं उनकी गुफा के वहाँ, और इसके पीछे ही गुफा है। तो यहाँ हेयर इट इज़। तो बाकी जो जैसे अपने ग्रह कुल जो था ना, जैसे घर का देवता वगैरह ड्रापला वगैरह, हाँ, तो ये सब कैसे पता है कि ये हमारे घर के कुल जाए? जैसे अब ये पता है कि पोमोकुली माता है, फिर ड्रापला का कैसे पता लगा कि ये इनके? अब हर किसी के घर का कुल ज्यादा है ना? नहीं, एक ही है। दो नहीं है यहाँ पे तो, एक तो आपा की वाला और गम्मा का अलग है ना, तनुजा रहे उनका। वो जेंट्स है फीमेल है कि क्या? जेंट्स ही है, जेंट्स नहीं फीमेल फीमेल है तमजर। ड्रापला मेल, मेल मेल है ना, तो उनका नहीं है कोई स्टोरी? स्टोरी नहीं है उनका, क्या स्टोरी होना ड्रापला का? नहीं देख लो सारे राज बता दें, घर की पूरी पोल खोल दें। अच्छा तो ये था कहानी ड्रापला। तो केशिंग वाला खारपा नांगमा उनका ड्रापला, ड्रापला तो मानते सारे ही है ना, पूछते सारे ही, फिर नांगला होते अलग अलग। ड्रापला प्रमत वगैरह भी मानते हैं, गमा वगैरह भी मानते हैं, इष्ट देवता बोलते हैं ना सबका ही है वो। अच्छा, ड्रापला मेन गांव का देवता बोलते हैं, गांव का देवता बोलेंगे उनको, घर का देवता। ड्रापला तो मानते हम लोग, ड्रापला पोमकुली माता पोमकुली। तो जो गोम्पा में छेरिंगमा है, छेरिंगमा तो वही बोला है ना पहले से, छेरिंगमा माता ही है ना वो, ऐसा पोमकुली छेरिंगमा सारे माँ वही है बोलते हैं बहन बहन। अच्छा तो उनको वहाँ स्थान मिला है, इनको यहाँ पे स्थान मिला है, सारे एक ही है ना। तो ये जो नाला है पीछे, जो गांव के पीछे नाला, वो पोमो के लिए आया ऐसा बोलते हैं क्या? पोमकुली का ना, वो नाला है का घर नहीं है वहाँ, देखा नहीं गोपा है उस तरफ तक तो नहीं गया मैं, मैं वहीं तक गया जहाँ पूजा नहीं होती, हमारे को तो नजर नहीं आता ना, मैं तो नहीं गई। अच्छा वहाँ पे जहाँ गुफा है वहाँ से पानी निकलता है? पानी नहीं है, जो ये नाला है, नाला तो ऊपर से आता है, ये जो हमारे पीने वाला पानी है वहीं से आता है, जड़ की कहीं और ऊपर से नाला ऊपर से आता है, पर है उनका मतलब ऐसा बोलते है। तो कभी ऐसा नहीं है कि पोमोकुली नाराज या ऐसा ऐसा तो नाला बहुत बढ़ गया हो या कुछ ऐसा नहीं होता? नाराज किसने देखा है ना, हमने तो नहीं देखा, लामा लोगों को नजर आता है पोंगली, नजर आता। तो वो अमर अंकल को एक बार जो नजर आया था पूना के टाइम है, वो पूना वो बड़ा जमाना था छोटे, वो टाइम पूना चलता था ना तब आता था नजर। पूना क्या होता है? पूना होता है पूजा पाठ करना देवताओं का। अच्छा अभी कहाँ करते हैं हमारा पूना पाना चला गया, सब हो गया था खत्म। टाइम पर सारे माँ थोड़ा जैसे लेट होगा तो उसी टाइम नजर आता है टड़ंग फड़ंग करके आवाज। अच्छा अगर पूजा से थोड़ा सा भी टाइम से टाइम से वो गया तो शुभ घड़ी से पीछे गया था पूना टाइम तो बहुत अच्छा है। जब आप लोग होते थे यहाँ पे ना, जब आप बता रहे थे कि बर्फ पड़ती थी दो दो मंजिल से ऊपर, तो आपकी उम्र कितनी होती थी उस टाइम? वो टाइम कितना बती थी। अच्छा तो मतलब उस टाइम से अभी टाइम तक के देखा जाए तो बहुत कुछ हो गया, चेंज है, बहुत चेंज हो गया। उस टाइम तो इतना बर्फ आता था, उस टाइम हम बोलते थे बर्फ नहीं चाहिए नहीं चाहिए, फिर भी इतना बर्फ होता था, अभी कहाँ बर्फ है ही नहीं, चेंजिंग हो गया। सबसे तगड़ी बर्फ कितनी देखी चाची आपने? देखा है बहुत, उस टाइम घर उतना ही था ना हमारा, कितना था सब टोल था शायद कोक्से में सात टोल थे, सात किशिंग नांगमा ग्यामा ट्रोमत करपा उस टाइम पुराना घर था ना, जब ज़्यादा बर्फ आता था टाइम तो इतना खिड़की बंद दरवाज़ा बंद
बर्फ से, बर्फ से अच्छा, फिर निकालना पड़ता है तब जाके फिर गाय बेटू को निकालो बाहर। मतलब पर साथ साथ में होते होंगे पिछले टाइम, पहले टाइम तो सब लोग उस टाइम नहीं देखा साथ साथ, साथ वाला ही यहाँ था ना जब हम शादी करके आए उस टाइम, तो फिर अलग अलग था। सबसे कम कब देखा चाची बर्फ आपने? सबसे कम अभी देखा पिछले साल से टनल बनने के बाद। जो टनल बनने के बाद कम हो गया ना बर्फ अभी, मतलब ऐसा जो बोलते हैं कि भाई उस टाइम जब शुरुआत में टनल बनने की शुरुआत हुई थी तो देवी देवता बोल रहे थे कि भाई मत बनाओ मत बनाओ, तो कुछ ना कुछ उसका सच में प्रभाव पड़ा है, है? नहीं तो मना तो किया था ना देवी देवताओं ने कि टनल मत बनाओ बोल के, नहीं किया था पहले तो किया था ना पर मनाली में किया था बोला बोलते है ना बंदे यार देख कहीं भी प्रोजेक्ट बनेगा हिमाचल के तो और देवी देवताओं के बीच में ला लेता है, पता नहीं वो पॉलिटिक्स होती है क्या होती है लोगों की, देवी देवता भी है ना। हाँ है पर वो ना पर ऐसा बहुत आप ऐसा बोल रहे उस टाइम कि भाई कुछ चीज़ ऐसा टनल में है कि अगर कुछ ऐसा बड़ा उसमें उसके साथ जाएगा तो फिर नुकसान होगा ये वो सो, पर टनल में नहीं हुआ नुकसान। हाँ है ना, एक दो ही हुआ दस हजार गाड़ी आती होगी पूरे सीजन भर, अब तो देखा 10,000 गाड़ी एक दिन की आ रही है, यार उस टाइम धुंधी में कितना फर्क पड़ गया है, जिस टाइम टनल बन रही थी उसमें 7-8 फुट बर्फ आती थी और इस टाइम 2 साल हो गए मेरे को वन ड्यूटी देते हुए 4 फुट से बर्फ ऊपर आई नहीं रही, 4-5 फुट बस, वो भी 5-6 दिन इकट्ठा होगा उसके बाद जाके होता वो 4-5 फुट, तो ये सारा मतलब कि गाड़ी के पोल्यूशन की वजह से ही है जो बर्फबारी कम हो रही है। ओके तो गाइस ये था आज वाली स्टोरी जैसे कि आपको बताया माता वाली, तो अब देखते हैं नेक्स्ट, अभी कल तो चाची जा रही है तो आप अभी यार अभी नहीं है कोई, आप अभी आते भी नहीं है गाँव में, उनके यहाँ थी बहुत ज़्यादा जैसे आपने भी कल नोटिस किया होना एक स्टोरी के साथ वो दूसरी भी निकाल दे रहे थे जोड़ दे रहे थे, पर आज वो सारे बिजी थे तो आज नहीं हो, तो अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे जब आएंगे थोड़े दिनों में, कल या परसों मैंने भी जाना है क्योंकि, तो उसके बाद बनाएंगे उनके साथ फिर से बैठ के, क्यों है ना आप और साथ बैठेंगे फिर से वहीं पर छोड़ देंगे, इसमें ऐड करूँगा मैं, तो वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप लविंग एंड सपोर्टिंग हिमालयन जंकीज, और अगर आपको ऐसा ब्लॉग अच्छा लगा तो बताइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टोरियाँ ऐसी तो खत्म होने को नहीं है, बहुत स्टोरियाँ हैं, हॉरर स्टोरीज भी सुनाएंगे हॉरर स्टोरीज तो नहीं सुनानी पर यार वो थोड़ा फिर वो नेक्स्ट उसमें अगर आप कमेंट बताएंगे कि भाई मज़ा आया स्टोरी में, तो कीप वॉचिंग।